फ्रेंड्स, बहुत सारे लर्नर ये पूछते हैं कि अप टिल नाउ और एज ऑफ नाउ में क्या फर्क है और कैसे जाने कि इनका करेक्ट यूज क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। सबसे पहले हम अप टिल नाउ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एज ऑफ नाउ के बारे में जानेंगे। अप टिल नाउ मीन्स अभी तक या अब तक होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि आप अब तक अंग्रेजी नहीं सीखे हैं या आप अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखे हैं, तो आप कहेंगे यू हैवंट लर्नड इंग्लिश अप टिल नाउ। फ्रेंड्स, अप टिल नाउ की जगह पर आप टिल नाउ का भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैंने अभी तक शराब नहीं पिया है, तो आप कहेंगे आई हैवंट ड्रंक अप टिल नाउ या आई हैवंट ड्रंक टिल नाउ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अभी तक ताजमहल नहीं देखा हूँ, तो आप कहेंगे I haven't seen the Taj Mahal up till now. तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि up till now या till now means अभी तक या अब तक। आइए फ्रेंड्स, अब एज ऑफ नाउ के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ नाउ मीन्स होता है अब से आगे या आज से आगे। यानी फ्रेंड्स, आपने अप टिल नाउ के बारे में सीखा कि अब तक या आज से पहले तक, लेकिन एज ऑफ नाउ का मतलब होता है आज से आगे या अब से आगे। यानी फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अब से आगे मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो आप कहेंगे आई शैन ड्रिंक एज ऑफ नाउ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अब से तुमसे बात नहीं करूंगा या आज से आगे मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे आई शैल नॉट टॉक टू यू एज ऑफ नाउ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि अप टिल नाउ आज के पहले या आज तक या अभी तक, लेकिन एज ऑफ नाउ मीन्स आज से आगे या आज के बाद आने वाले दिन में। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। फ्रेंड्स, इसी तरीके के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।